बार क्या होता है, घर पे आपके फ्रेंड्स आ जाएं और वो मांग करें कुछ हेल्दी खाना, क्योंकि उनको पता है कि आप खाना अच्छा बनाती हैं, तो आप क्या करेंगे, फटाफट कुछ हेल्दी बनाएंगी, राइट? भाई वही चीज तो मैं आपके लिए लेके आया हूं, एकदम मजेदार वाली रेसिपी है जी, ड्रैगन फायर बीन स्प्राउट्स, और ये बनेंगे एकदम फटाफट। मैं हूं आपका शेफ हरपाल और यहाँ पे थोड़ी मस्ती के साथ चटपटा खाना बन रहा है। चलिए, ड्रैगन फायर बीन स्प्राउट्स बनाने का इतना आसान तरीका आपने इसके पहले कभी नहीं देखा। मैं ये वॉक ले लेता हूं। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, यहां पे बीन स्प्राउट्स को मैंने धो लिया, ये रहा बीन स्प्राउट, ये देखिए, और ये जो बीन स्प्राउट है ना, ये पूरे अंकुरित हुए वाले नहीं है, मतलब फुल स्प्रेड जिसको कहते हैं ना, पूरे बीन स्प्राउट बने वो नहीं है, ये हल्के से स्प्राउट हुए, यानी कि दूसरे तीसरे दिन के बीच में जब ये अंकुरित होना शुरू करते हैं तब निकाल लें, तब इसमें जो न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो ज्यादा है। चलिए, ज्यादा बातें नहीं करते हैं और यहाँ पे तेल ले लेते हैं मेरी देसी चाइनीज कढ़ाई में, ठीक है जी। और इसमें सबसे पहले क्या करना है, लहसुन डाल लेते हैं एक छोटा चम्मच, ये वाह, ये लीजिए लहसुन, हल्का सा ब्राउन जैसे ही होता है। दो लाल मिर्चें फ्रेश वाली, ठीक है जी, ये ले ली। एक प्याज के क्यूब्स काट लिए, ये ले लिया हमने, और इसके साथ कैप्सिकम, ठीक है, शिमला मिर्च, हरा वाला लाल वाला, ये ले लिया, थोड़ा सा सौते कर ले, क्या बात है, ये लीजिए। अब मैं इसमें बीन स्प्राउट्स डाल लूंगा। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालिए, घर पे जरूर करिएगा, टैनक 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 टैनक, ज्यादा मत डालिएगा, वो मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि जब भी आप चाइनीज खाना बनाते हैं देसी चाइनीज घर पे, उसमें जो सॉसेज यूज करते हैं ना, उसमें नमक की मात्रा होती है। ये लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा उमामी टेस्ट लाने के लिए चिंग्स सीक्रेट का डार्क सोया सॉस यूज कर रहा हूँ, ये लीजिए एक छोटा चम्मच डाल लीजिए। इसके साथ साथ मेरे पास है सुपर हिट ड्रैगन फायर चटनी, वाह भाई, ड्रैगन फायर चटनी अगर आपके हाथ में आ गई ना, मतलब यूं समझिए कि स्वाद 100%, जो भी खाना बनाएंगे 100% स्वाद, यानी पार्टी इन योर माउथ। ये लीजिए, ये मैं 3 चम्मच डाल लेता हूं बड़े वाले, इसको मिक्स कर लेते हैं, वाह जी वाह, हल्का सा पानी डाल लूंगा। बीन स्प्राउट्स थोड़े मॉइस्ट हो गए, स्टीम हो गए, थोड़े से पक भी गए, ठीक है जी। फाइनली इसमें स्प्रिंग अनियन ये डाल लेते हैं, वाह, आई एम सो हैप्पी भाई, हमारे जो ड्रैगन फायर बीन स्प्राउट्स है वो झटपट तैयार हो गए। ये लीजिए परोसने के लिए हम सुंदर सी प्लेट, चटपटे बीन स्प्राउट एकदम मजेदार तैयार हो गए भाई। इससे जल्दी कोई डिश तैयार नहीं हो सकती और इससे स्वादिष्ट बन नहीं सकती। क्या कहा आपने हरपाल जी, थोड़ा सा ड्रैगन फायर चटनी और डाल दो ऊपर से, ये लीजिए आपके लिए, वाह, ये लीजिए आपके लिए, ये थोड़ा सा ले ले, ये थोड़ा सा डाल ले, वाह वाह, स्प्रिंग अनियन, ये हरे वाले पत्ते, ये डाल लेते हैं भाई, झटपट तैयार हो गए ड्रैगन फायर बीन स्प्राउट्स। और अब आपकी पार्टी में चर्चा होगा कि आपने किया क्या, भाई पार्टी भी चल रही है और पार्टी इन योर माउथ भी चल रहा है ना, क्योंकि एक चम्मच अगर आपने खाया, पार्टी इन योर माउथ बिगिंस, वाह।